स्वागत है आपका हमारे वर्मा कंप्यूटर क्लास में, जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अभी चल रहा है हमारा सिलेबस का सेशन, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वह है हमारा चैप्टर नंबर 15 मल्टीमीडिया, ठीक है। अब देखेंगे मल्टीमीडिया से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वह आपके किसी भी सेक्टर के एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, पुलिस हो, कोई सा भी हो, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें इसी तरह के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वह है मल्टीमीडिया, दूसरा है मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक उपकरण, मल्टीमीडिया के तत्व, टेक्स्ट, चित्र या रेखा चित्र के बारे में पढ़ना है, ध्वनि या ऑडियो के बारे में जानेंगे, मीडी के बारे में क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, वीडियो के बारे में जानेंगे, स्ट्रीमिंग के बारे में जानेंगे, मल्टीमीडिया कियोस्क के बारे में जानेंगे, एनिमेशन के बारे में जानेंगे, वर्चुअल रियलिटी के बारे में जानेंगे, शॉक वेव के बारे में जानेंगे, जो शॉक वेव क्या होता है, ठीक है, एडोब फ्लैश के बारे में जानेंगे, मल्टीमीडिया के उपयोग के बारे में जानेंगे, ठीक है। हमारा जो अगला चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 16 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, अब इसमें किस तरह के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला परिचय जानेंगे, दूसरा विंडोज़ का विकास जानेंगे, विंडोज़ शब्दावलियाँ जानेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जानेंगे, आइकन के बारे में जानेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, सक्रिय विंडो के बारे में जानेंगे, प्लग एंड प्ले के बारे में जानेंगे, डिफ़ॉल्ट के बारे में जानेंगे, फाइल तथा फोल्डर के बारे में जानेंगे, ठीक है। फाइल नाम जानेंगे जो क्या होता है, विंडोज़ के भाग के बारे में जानेंगे, डेस्कटॉप के बारे में जानेंगे, माई डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे, माई कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, माई नेटवर्क प्लेसेस के बारे में जानेंगे, रिसाइकिल बिन के बारे में जानेंगे, टास्क बार क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, स्क्रॉल बार क्या होता है, टूल बार के बारे में जानेंगे, मेन्यू बार कैसे काम करता है, स्टेटस बार क्या होता है, मेन्यू क्या होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर आप लोग हमारे इस पूरे सिलेबस के ई बुक को अगर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे इस, ठीक है, दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको प्रश्न बैंक, क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट पॉइंट, फुल सिलेबस का जो थ्योरी है वो आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। मेन्यू बार, स्टेटस बार, मेन्यू बार क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। मेन्यू में प्रयुक्त कुछ संकेत के बारे में जानेंगे, बटन संयोग या शॉर्टकट बटन के बारे में जानेंगे, डायलॉग बॉक्स के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर को बंद करना सीखेंगे, विंडोज़ में सहायता लेना सीखेंगे, विंडोज़ टास्क मैनेजर के बारे में जानेंगे, स्टैंड बाय के बारे में जानेंगे, हाइबरनेट के बारे में जानेंगे, विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में जानेंगे जो यह क्या होता है, फाइल के गुणों को देखेंगे, ठीक है, फाइल व फोल्डर देखना सीखेंगे, कीबोर्ड को माउस की तरह प्रयोग करना जानेंगे, माउस को कीबोर्ड की तरह प्रयोग करना जानेंगे, माउस के गुणों में परिवर्तन करना सीखेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, डायलॉग बॉक्स जानेंगे, टास्क बार में परिवर्तन करना जानेंगे, विंडोज प्रोग्राम में कार्य करना सीखेंगे, नया फोल्डर बनाना जानेंगे, नया डॉक्यूमेंट खोलना सीखेंगे, पुराना डॉक्यूमेंट खोलना सीखेंगे, डॉक्यूमेंट सेव करना सीखेंगे, फाइल या फोल्डर का नाम बदलना सीखेंगे, फाइल तथा फोल्डर ढूंढना सीखेंगे, कंप्यूटर में दिन व समय बदलना सीखेंगे, ठीक है, पेज सेटअप के बारे में जानेंगे, जो पेज सेटअप कैसे होता है, प्रिंट प्रीव्यू कैसे देखा जाता है वो हम लोग जानेंगे, डॉक्यूमेंट प्रिंट कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सहायक प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, ठीक है। हमारा अगला जो वीडियो होगा वह होगा चैप्टर नंबर 17 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, जो उसमें किस तरह के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।